नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HRI न्यूज पर। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा का, बीजेपी नेता पहले ही भविष्यवाणी कर देती हैं कि वह इतनी सीटें जीतेंगे। और ठीक दोस्तों, वैसा ही देखने को मिलता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात ले लें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 250 सीटें कहा था और देख सकते हैं 255 सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं अब अमित शाह ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 150 सीटों का लक्ष्य रखा। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में ही 19 लाख ईवीएम गायब होने का मामला उजागर हुआ था। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने 150 सीटें जीतने का दावा किया, तो सभी विपक्षी पार्टियां इसे ईवीएम गायब होने के लिंक से ही देख रही हैं। और एक तरफ जहां बीजेपी 150 सीटें जीतने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ 19 लाख ईवीएम गायब हो जाती हैं। बीजेपी हमेशा से ही ईवीएम के सहारे चुनाव जीतती रही है, इसीलिए बीजेपी नेता जितनी सीटें कहते हैं उतनी ही लगभग वह चुनाव में जीतते भी हैं। ये दोस्तों बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही थी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।